अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कलेक्शंस की। कलेक्शंस क्या होते हैं, किस तरह से बनाते हैं और किस तरह से स्पेसिफिक कलेक्शन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। तो बेसिकली कलेक्शंस को हम कैटेगरीज कह सकते हैं, जिस तरह से शूज की एक कलेक्शन है, टी शर्ट्स की एक कलेक्शन है और जो हमारे हैं पैंट्स की एक कलेक्शन है। अब ये लेट्स सपोज तीन डिफरेंट कलेक्शंस है। अब शूज के कलेक्शन के अंदर डिफरेंट तरह के शूज होंगे, राइट। अब इसको हम कैटेगरी भी कह सकते हैं, कलेक्शन भी कह सकते हैं। तो चलें लैपटॉप स्क्रीन पे चलते हैं और इसको मजीद प्रैक्टिकल करके इसको समझने की कोशिश करते हैं। हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे देखें, हमें ऑप्शन मिल जाता है प्रोडक्ट के अंडर कलेक्शंस का। अब हमें यहाँ पे लेट्स सपोज हमारे हम अपने स्टोर के ऊपर दो चीज़ें बेच रहे हैं, एक शूज और एक शर्ट्स। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पे ऐड कलेक्शन करूँगा और यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा शूज लिख दूंगा। लेट्स से शूज इसके अबाउट डिस्क्रिप्शन जो भी मैं लिखना चाहूँ, राइट नाउ मैंने डमी वो यूज़ कर लिए। अब यहाँ पे दो टाइप के कलेक्शंस हैं, एक है मैनुअल, एक है ऑटोमेटेड। अब जो मैनुअल है इसके अंदर यहाँ पे देखें, ऐड प्रोडक्ट टू दिस कलेक्शन वन बाय वन, आपको मैनुअली सारी प्रोडक्ट्स यहाँ पे ऐड करने होंगे। ऑन द अदर एंड जो ऑटोमेटेड कलेक्शंस है, इसका फर्क ये है कि आपने यहाँ पे जस्ट कुछ पैरामीटर्स डिफाइन करने हैं। लेट्स सपोज आप कहते हो कि जिन प्रोडक्ट की प्राइस 90 से नीचे है वो सारे इसी कलेक्शन के अंदर आ जाएं, जिन प्रोडक्ट का कलर रेड है वो सारे प्रोडक्ट इसके अंदर आ जाएं। इस तरह से आप ऑटोमेटिकली कर देते हो और वो सारे प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली इस कलेक्शन के अंदर ऐड हो जाते हैं। यहाँ पे देखें जो डिफरेंट कंडीशंस हैं, प्रोडक्ट का टाइटल अगर ये हो तो वो इस प्रोडक्ट के अंदर आ जाए, ठीक है। इसी तरह से लेट्स सपोज प्रोडक्ट की प्राइस अगर 90 इज ग्रेटर देन और लेस देन और समथिंग लाइक दैट, इस तरह से आप कंडीशन जो है यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक कंडीशन ऐड करता हूँ, ग्रेटर देन 20, दिस कलेक्शन विल इंक्लूड ऑल प्रोडक्ट विद एट लीस्ट वन वेरियंट दैट मैचेस प्राइस। मैं कहता हूँ ओके, ठीक है, यहाँ पे हमने ऐड कर दिया। अब ये हमारी एक कलेक्शन बन गई। अब इस कलेक्शन के आप इमेज भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन कोई खासी ज़रूरी है नहीं, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। एक कलेक्शन बन गई। अब सिमिलरली मैं दूसरी कलेक्शन बनाना चाहता हूँ, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं शर्ट्स की कलेक्शन ऐड कर दूँगा। यहाँ पर भी मैं डमी टेक्स्ट डाल दूँगा, ऑटोमेटिक कलेक्शन कर दूँगा, ठीक है। इस बार मैं इसको मैनुअल कर देता हूँ, ठीक है, और इसको मैं सेव कर दूँगा। ये कलेक्शन हो गई। अब जब भी मैं कोई प्रोडक्ट ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये प्रोडक्ट है, इसको अगर मैं ऐड करूँगा तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो ऑप्शंस हैं या कलेक्शंस के अंदर, वो कलेक्शंस हमारे पास शो हो रही होंगी। एक कलेक्शन जो है वो मेरे ख्याल से पब्लिश नहीं हुई, इसको मैं रिलोड करता हूँ अगेन और यहाँ पे वो जो है हमें शो होनी चाहिए वो कलेक्शन। अगेन नहीं हो रही शो, तो हम चलते हैं वापस कलेक्शंस के अंदर और देखते हैं कि वो कलेक्शन हमारी हमने पब्लिश की भी थी कि नहीं की थी। तो यहाँ पे देखें, ये एक शूज़ की है और ये इसके अंदर हमने क्योंकि एक भी प्रोडक्ट ऐड नहीं किया, इस वजह से यहाँ पे शो नहीं हो रही। तो वापस प्रोडक्ट्स पे चलते हैं, एडिट करेंगे और यहाँ पे हमारे पास है कलेक्शंस। हम कहते हैं टी शर्ट्स के अंदर ये चला जाए, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट है अब टी शर्ट वाले कलेक्शंस के अंदर होगा, ठीक है। अब जो जिस टाइप का भी आप प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं और उस टाइप की आपके पास कलेक्शन मौजूद है, तो आप उन कलेक्शंस के अंदर वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं और फिर उस पूरी की पूरी कलेक्शन को होम पेज पे शो करवा सकते हैं। एक एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा, जैसे यहाँ पे फुटवेयर है। अब मैं इस फुटवेयर पे क्लिक करूँ तो इसके अंदर जितने भी शूज़ हैं वो सारे शो हो जाएंगे कुछ इस तरह से। ऑन द अदर एंड यहाँ पे हमारे पास जो सेल का ऑप्शन है, सेल की एक कलेक्शन है। अब इसके अंदर जितने भी जो इनके प्रोडक्ट्स होंगे वो सारे सेल के ऊपर होंगे। यहाँ पे देखें, ये सारे सेल के ऊपर है, सही है, $250, $249। तो यहाँ पे आप इस तरह से देख सकते हैं। तो इनको, उन कलेक्शंस को फिर इस तरह से यहाँ पे शो करवा दिया जाता है ताकि इजीली जो यूज़र है वो आके स्पेसिफिक कलेक्शन को क्लिक करे और उसके रेलिवेंट जो भी प्रोडक्ट उसके अंदर हों वो देख सके, बजाय इसके कि वो इतने सारे प्रोडक्ट्स में से ढूंढे कौन सा सेल पे है कौन सा नहीं है या कौन से कलर का है या टी शर्ट्स उसने ढूंढनी है तो वो सारे प्रोडक्ट्स में से ढूंढे, बजाय इसके कि वो सिंपल जाए कलेक्शन पर क्लिक करे,
टी शर्ट वाली कलेक्शन पे क्लिक करें, उसके सामने तमाम टी शर्ट्स नजर आ जाएं। तो इस तरह से आप कलेक्शन बना सकते हैं और उनको यूज कर सकते हैं अपने शॉपिफाई स्टोर के अंदर। आई होप आपको समझ आई होगी। किसी भी तरह की कंफ्यूजन है, कोई भी प्रॉब्लम है, कमेंट कर सकते हैं, मैं जरूर आपको रिस्पॉन्स करूंगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।